स्वागत है सभी का क्यू हिंदी पर, मैं हूं अभिनव सिंह। तो दोस्तों 9 दिसंबर को पूछे गए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं मुझे, देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अब हर बैच में 100-100 क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको जितना सारे क्वेश्चन बताया हूँ सब मिले क्वेश्चन है, तभी तो बताया हूँ। तो थोड़े थोड़े आते हैं तो थोड़े थोड़े बताता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि सारा आपको मिलाना चाहो। कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे में तो आया नहीं था, दो ही क्वेश्चन आया था, दो आया तो बहुत आया, इतना समझ चलना है। दिन भर कई सारे बैच होते हैं, कई सारे लोग भेजते हैं मेरे पास। तो आज का क्वेश्चन सुशील कुमार, सुभिका, गौरव, योशिका पांडे, इन सब ने भेजा है। तो सब ने यही बताया कि पेपर बहुत अच्छा गया, ये सब बहुत खुश थे। और भी बहुत लोग ने बताया कि पेपर बहुत अच्छा गया, क्वेश्चन नहीं भेज पाते लेकिन सब बता रहे थे कि पेपर बहुत अच्छा गया। ज़्यादा ज़्यादा लोगों ने ही बोला आज परफॉर्मेंस सबका अच्छा था। एक दो लोग ऐसे भी मिले जिनका बोले कि पेपर अच्छा नहीं गया था। तो ऐसा था, आप लोग भी मुझे क्वेश्चन ज़रूर भेजना। वहाँ की मेरी आईडी है vinodsingh177, कोई सा भी फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, ठीक है, वहाँ से भेज सकते हो आप लोग। और हाँ, आप सबका काम क्या है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ईमेल हैज़ कितने पार्ट होते हैं ईमेल में, ऐसा क्वेश्चन आया था। तो देखो होता हो गया रहा है, कुछ नए नए क्वेश्चन ऐड हो रहे हैं और जनरल नॉलेज पूछ रहे हैं। देखो कुछ लोग क्या सोचते हैं, उम्मीद करते हैं कि एक दो वीडियो देख लेंगे एग्ज़ाम से पहले, फिर जाके एग्ज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं सोचा करते, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं थोड़ा सा 5 वीडियो 10 वीडियो देख ले, जरूरी ये नहीं कि 10 वीडियो से ही आपका काम हो जाए, और भी आपको पढ़ना है। तो मैंने मास्टर क्लास बताया, अभी और बना दूंगा मैं। तो ईमेल दो पार्ट होते हैं सिर्फ, बस यूज़र आईडी और डोमेन नेम, बीच में एक ऐड रेट लग जाता है बस, ठीक है, वही होता है। तो दो पार्ट होते हैं ईमेल के। तो इसके बारे में कई सारे क्वेश्चन आते हैं, ऐड रेट जैसे मैंने बोला, ये भी आता है कि ऐड रेट अलग करता है। ये सब तो मान लो जनरल बातें हैं, सबको पता होगा, वैसे भी कुछ ही लोगों को जिनको इनके बारे में नहीं पता होगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। अब नेक्स्ट, मैसेंजर इज़ रिलेटेड टू, होता क्या है जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो लोग याद कर लेते हैं और वही भेज पाते हैं, बीच बीच में जो कुछ हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो भी भेज देते हैं। तो ऐसे होता है, तो मैसेंजर ज़्यादा सोचना नहीं, फेसबुक से संबंधित है, ठीक है। अब नेक्स्ट, एलू और सीयू इज पार्ट ऑफ सीपीयू, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एलू मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और सीयू मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। तो ये 100% ट्रू हो जाएगा, उसी के पार्ट होते हैं ये। अब नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ PMSBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फुल फॉर्म क्या है। तो आप लोग को पता नहीं होगा, वीडियो में इतना बनाया हूँ, प्लेलिस्ट में आप देखो इंटरनेट से रिलेटेड है, मतलब कोशिश यही किया हूँ कि हर पार्ट में अलग अलग करके ढूंढ ढूंढ के मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोग को पता नहीं होगा बहुत लोगों को ये बात, तो वो सब कंप्लीट कोर्स है, इतने हल्के में लेना चाहिए। मेरा दोस्त दोगे आप लोग आके, जैसे एक आध लोग होते हैं ऐसा, सब की बात नहीं मैं नहीं कर रहा, तो ये ट्रू हो जाएगा 100%, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ट्रू फॉल्स का बहुत आ रहा है आजकल। अब नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लाइड डिज़ाइन, इनमें से स्लाइड डिज़ाइन का कौन सा पार्ट नहीं है, डिज़ाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, या फिर स्लाइड लेआउट, या फिर कोई नहीं। तो इनमें से ऐसा कोई है जो स्लाइड डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं उससे, तो ये स्लाइड लेआउट जो है ना, ये स्लाइड डिज़ाइन से कोई लेना देना है ही नहीं, स्लाइड लेआउट कुछ है ही नहीं, समझ गए बात। ये सब है डिज़ाइन वगैरह, कलर भी होता है, स्लाइड लेआउट से कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट, हाउ मनी डिजिट आर, मतलब ATM में कितने टोटल डिजिट्स होते हैं, जो ATM नंबर होता है, जो ATM कार्ड होता है उस पर, यही पूछने का मतलब है। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें देखो ज़्यादातर ATM कार्ड में 16 डिजिट होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, बाकी तो बहुत है कि नहीं। तो 16 वाला ज़्यादा, अगर ऐसा आता तो सबको 16 वाले पे ही करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही होता है। अब नेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर पेस्ट इन लिब्रे ऑफिस, तो लिब्रे ऑफिस में पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश में लिख दिया मैंने, ऐसे आया था तो मैंने लिख दिया। तो लिब्रे ऑफिस में पेस्ट करने की शॉर्टकट की पूछा है, सिंपल सी बात है। तो पेस्ट करने के सिर्फ पूछे तो Ctrl+B, अगर पूछे पेस्ट स्पेशल एक होता है तो Ctrl+Shift+B, अगर स्पेशल वाला पूछे तो बीच में शिफ्ट लगा देना। एक होता है अनफॉर्मेटेड पेस्ट, मतलब कोई से फॉर्मेट नहीं होगा, सीधा सीधा इसे पेस्ट कर देगा सब कुछ, तो उसमें ऑल्ट लग जाता है बीच में, एक और Ctrl+Alt+Shift+B, तो ये 2-3 होते हैं, उसके क्वेश्चन सभी आते हैं। तो कॉपी का सी और उसका प्रिंट का है ये Ctrl+P, तो यही सब क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेक प्रेजेंटेशन, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज करते हैं, इसका मतलब यही है, क्या यूज करते हैं,
तो सिंपल सी बात है, इम्प्रेस यूज करते हैं, है ना, कुछ सोचना ही नहीं इसमें। ये है प्रेजेंटेशन के लिए, और स्प्रेडशीट के लिए पूछ लेता है तो हम लोग कैल्क यूज करते हैं, और डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने के लिए जो वर्ड प्रोसेसिंग होता है उसको, तो ये सब राइटर में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, एंटीवायरस इज व्हिच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, जो एंटीवायरस होता है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, मलेशियस सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, मलवेयर, या फिर कोई नहीं, इसके बारे में मालूम है आपको, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं अच्छे से बताया हूँ आपको, भले आप वहाँ ना कर पाओ एग्जाम में, वो अलग बात है, आपके ऊपर डिपेंड है। सारे क्वेश्चन तो मैं लगभग लगभग बताएं, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जो नए हो, ऐसा नहीं मैं बोल रहा कि सब बता ही दिया हूँ मैं, लेकिन बहुत बताया हूँ यही समझ लो आप। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बताया था आपसे, ये क्या करता है, हमारे कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, एंटीवायरस का काम करता है यही। तो मैं आपसे ये मतलब अलग भाषा में बताया मैंने आपसे, तो यही होता है इसका मतलब। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपको। अब नेक्स्ट, SMTP किससे रिलेटेड है, ये तो मान लो सब कर लोगे जो भी मतलब पढ़ रहे हैं मेरे से, मैं जानता हूँ, तो SMTP सब कर लोगे, जो लोग पढ़े हैं ना वो सब कर लेते हैं, बता तो रहा हूँ मैं, सब यही बोल रहे थे, कुछ लोग हैं जो पढ़े भी हैं, पढ़ रहे थे मैं जानता हूँ, उनको भी प्रॉब्लम हो रही थी, ज़्यादा लोग नहीं, एक आध दो लोग ऐसे बोले बस। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ईमेल से रिलेटेड है ये। ठीक है, तो सब जानते हो, इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। अब नेक्स्ट, BDU इज टाइप ऑफ डिवाइस, जो BDU होता है किस प्रकार का डिवाइस है। अभी इसको तो मतलब अच्छे से बताया हूँ आपको कि BDU क्या होता है, इसका फुल फॉर्म भी मैं बताया हूँ, और वो होता क्या है ये भी बताया हूँ। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, और ये क्या है, एक तरह का मॉनिटर जैसे होता है वही है, मॉनिटर को ही BDU बोलते हैं बस। तो मॉनिटर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। अब इसके बारे में मैंने इतना बताया, जो भी है सब कर लोगे अभी, उम्मीद यही है। ठीक है, डिस्प्ले एक प्रकार का BDU होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट, ईमेल मींस इलेक्ट्रिक मेल, ये ट्रू है कि फाल्स। ट्रू फाल्स बता रहे थे बहुत, कोई कोई तो मेरे से बोल रहा था कि 70-80 क्वेश्चन ट्रू फाल्स का आ गया था। फिर हाल वो लोग पेपर मतलब ऐसा जैसे देना चाहिए वैसे दे नहीं रहे, किसी को मतलब ट्रू फाल्स दे दी इतना, किसी का कोई और सिलेबस मतलब कुछ और दे दे रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं उल्टा सीधा, किसी का बहुत अच्छा चला जा रहा है, किसी का कम अच्छा जा रहा है, ये भी सुनने में आ रहा है सबका। तो ये हो जाएगा फाल्स। फाल्स मतलब क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है इसका मतलब, है ना। अब नेक्स्ट, हैकर इज सॉफ्टवेयर दैट कैन एक्सेस योर कंप्यूटर विदाउट योर परमिशन, जो हैकर होता है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इसका कहने का मतलब क्या है, हैकर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके बिना इजाज़त के ही आपके कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है, कुछ जो भी कर लेता है। तो ट्रू होगा कि फाल्स, तो हो जाएगा फाल्स। फाल्स क्यों होगा, सब कुछ सही बोल रहा है ये, लेकिन हैकर एक सॉफ्टवेयर नहीं है बल्कि एक इंसान होता है हम लोग की तरह, है ना। तो हैकर क्या होता है, हम लोग की तरह एक इंसान है, तो इसलिए कुछ सोचना ही नहीं इसमें। अब नेक्स्ट, WLAN मीन्स वेब बेस्ड लैन। अब इसको जिसको नहीं पता होगा, अंधे में टू मार दिया होगा इसको, तो WLAN मतलब क्या होता है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो ये क्या बोल रहा है, वेब बेस्ड लैन, तो ऐसा नहीं है, यह क्या है, ये वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क इसका मतलब है, इसलिए हो जाएगा ये फाल्स। ठीक है, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, बायजूस ऐप किससे संबंधित है। अब ये तो मतलब कॉमन सी चीज़ है ना, कॉमन सा क्वेश्चन है, इतना पॉपुलर है जो बायजूस ऐप है पूरे इंडिया में, प्रेजेंट टाइम में काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी पॉपुलर हो गया, अपने इंडिया का ही है ये साउथ इंडिया में बना, कर्नाटका के साइड बेंगलोर में। तो क्या हुआ, ये क्या है, लर्निंग एप्लीकेशन है ना, इसको दो लोगों ने मिलकर बनाया, एक कमरे से बनाया, और ये आज के ज़माने में पूरे पूरे वर्ल्ड में मतलब छाया हुआ है, TV वगैरह में कितना ऐड आते हैं इसके बारे में, तो बायजूस ऐप है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट, जियो के फाउंडर कौन है, जैसे पिछला आया था बायजूस, अब उसको पूछ सकते हैं, तो ये भी पूछ सकते हैं उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो देखते हो शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर उसके, वही ऐड करते हैं उसका, क्या पता पूछ ले, मैं देखता हूँ वही ऐड वगैरह आता है शाहरुख खान करते हैं, तो बता दे रहा हूँ आपको, जियो के फाउंडर कौन है, जियो के फाउंडर मुकेश अंबानी है, मतलब यही है उसके चेयरमैन, और जियो के फाउंडर यही हैं समझ लो। ठीक है, अब नेक्स्ट, 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये भी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसा नहीं उल्टा बताया था मतलब, तो आपको
जैसे भी मैं बताऊं आपको पता होना चाहिए बस ये। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मना जाता है 2 दिसंबर को, है ही नहीं, तो ध्यान देना। अब नेक्स्ट, क्यूआर कोड जो है वो 2D है। सारे देखो क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, सारे मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, आगे बताऊँगा। एग्ज़ाम वैसे 70% से ज़्यादा लोग का ख़त्म हो गया है, थोड़े लोग बचे हैं बस। क्यूआर कोड 2D है, 100% सही है ये। यहाँ पे 3D हो तो आपको फॉल्स करना है, 2D हो तो ट्रू करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, मिंत्रा के फाउंडर कौन है बताओ। मिंत्रा के फाउंडर भी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो मिंत्रा के फाउंडर कौन है, मुकेश बंसल हैं। ये तीनों ने मिलके बनाया था, लेकिन वैसे मेन इसके थे मुकेश बंसल, तो हो सकता है यही नाम आया सिर्फ, ठीक है। जैसे फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हैं अकेले, वैसे को फाउंडर वो भी हैं, तो वैसे इसके मिंत्रा के भी मुकेश बंसल को फाउंडर, लेकिन यही मेन थे इसके, जो भी हो। और फ्लिपकार्ट भी पूछ सकता है, जब मिंत्रा पूछ लिया तो फ्लिपकार्ट का बिन्नी बंसल और सचिन बंसल, इन दोनों ने बनाया था। अब तीनों देखो बंसल ही हैं, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना आप लोग, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है ये, सारी बातें पूछ रहे हैं, अब इतना जान लो। अब नेक्स्ट, सौमी के फाउंडर कौन है, जो MI होता है मोबाइल, सौमी कहते हैं ना उसको, तो उसके फाउंडर कौन हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। वैसे उसके फाउंडर कौन है, लेई जन जुन, जो भी बोले इसको लेई जुन बोलते हैं, ली जुन। तो वैसे इसके फाउंडर को फाउंडर तीनों, इन तीनों ने इन लोगों ने भी इसमें योगदान दिया था अपना, जो BOC भी लिखा हुआ है इन दोनों ने भी दिया था, लेकिन इसके मुख यही हैं, जैसे बताया ना मुख, तो मुख यही है। अगर ऐसे अलग अलग आता है तो आपको मुख इन्हीं पे करना, नहीं तो ऑल ऑफ अबव भी कर सकते हो आप, गलत नहीं होगा अगर ऑप्शन में है तो, ठीक है। अब नेक्स्ट, POS मशीन में कौन सा प्रिंटर लगा होता है, ये बात मालूम है आप सभी को, POS मशीन में कौन सा प्रिंटर यूज होता है, तो होता है थर्मल प्रिंटर। सब देखो जरूरी ये नहीं कि सिर्फ थर्मल प्रिंटर ही यूज हो, इंकजेट होता है, मतलब डॉट मैट्रिक्स भी यूज हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा POS मशीन में यूज होता है वो थर्मल प्रिंटर ही होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, थर्मल प्रिंटर। अगर अलग अलग ऑप्शन में ऐसे आएगा ना थर्मल प्रिंटर पर करना है, वैसे डॉट मैट्रिक्स भी देखता हूँ मैं, मिलता है कि यूज़ होता है, ठीक है। थर्मल प्रिंटर सबसे ज़्यादा उसमें यूज़ होता है, बस। POS मशीन मतलब जो शॉपिंग वॉपिंग जाते हो करने, वो हमारा पर्ची फाड़ के देता है ना छोटा सा, वो सब उसी में आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, कोल्ड बूटिंग क्या है, भी इम्पॉर्टेंट है। तो कोल्ड बूटिंग कई बार आपसे वैसे बताया इसके बारे में, तो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, और रीस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग, ठीक है। तो दोनों पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य होते हैं। इसमें हुआ क्या कि मैं आपको देखो आपको बताया था वीडियो में मैं कि 256 और 257 दोनों के बारे में आपसे बताया था, ठीक है। 257 मैंने आपसे समझाया था कि कई सारे ग्रुप मैंने ऐसे देखा जिसमें 257 दिख रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो 257 ऑप्शन में है ही नहीं, तो क्या करोगे आप, तो 256 तो करना ही है आपको, ऐसे समझाए भी थे मैं आपसे। तो अगर 257 ऑप्शन में नहीं है तो 256 करना है, वैसे बता रहे थे कि 257 ऑप्शन में था ही नहीं, तो होता क्या उनको भी नहीं पता होगा, मुझे खुद नहीं पता था कि 257 भी होता है। मैं जब ढूंढने लगा एक जगह ऐसे बहुत ढूंढा तो मिलने लगा मुझे 257 257, कई सारे ग्रुप में मैंने देखा, ठीक है। तो जानकारी आपको होनी चाहिए कि 257 के भी ग्रुप दिखते हैं लेकिन 256 होते हैं, एग्ज़ाम में आता है ऐसा, ठीक है, दोनों बात पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, कलर ऑफ 500 रुपी नोट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वैसे मैंने समझाया था आपको इसके बारे में, लेकिन ये आते हैं एग्ज़ाम में और लोग पूछते हैं, बताते हैं, क्वेश्चन भी भेजते हैं इसके बारे में। 500 का भी आता है, 1000 का तो है नहीं, 200 और 2000, इन तीनों का आता है। 500 अगर पूछे तो कलर स्टोन ग्रे, 200 का पूछे तो ब्राइट येल्लो उसको टाइप का है वो, और अगर 2000 का पूछे तो वो है मैगेंटा, मतलब ये कैसा होता है, जैसे थोड़ा बैगनी टाइप का ऐसे अजीब सा होता है कलर, ठीक है, मैगेंटा उसको बोलते हैं उस कलर को। तो 500 में स्टोन ग्रे होता है, 2000 में ये, मतलब आपको भूलना नहीं, तीनों आता है ना इसलिए बता रहा हूँ मैं, और 200 पूछे तो ये, ठीक है, ये तीनों बात आपको बताना चाहिए। अब नेक्स्ट, साइज ऑफ 200 रुपी नोट, 200 के रुपए का जो नोट है उसका साइज क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो आपको मालूम है। अब देखो तो इसमें चौड़ाई जो है सब में बराबर ही दिया है, तीनों ऑप्शन में
है ना, 66 mm मतलब मिलीमीटर होता है वैसे, तो 200 का पूछे तो 146। देखो चौड़ाई तो सब तीनों है बराबर दिख रहा है आपको, इसलिए मैं आपको सिर्फ लंबाई आपको बता रहा हूँ। 150 mm किसका होता है, 500 वाला, और 166 mm किसका होता है, 2000 वाला। तीनों बात आपको एकदम एग्जैक्टली मतलब जान लो। देखो 46 के बाद 56 छोड़ के 66 आ गया है ना, बीच में 50, ऐसे आप याद कर सकते हो, भूलोगे नहीं। 200, 500, 2000 इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, डिजिटल डॉक्यूमेंट से क्या बेनिफिट होता है, सेविंग द कंट्री, जो पेड़ होता है उसको हम बचाते हैं, इन्वायरमेंट को हार्मफुल, तो हार्मफुल मतलब तो नुकसान पहुंचाना होता है वैसे पर्यावरण को, बोथ नन। तो बेनिफिट क्या होता है ये पूछ रहा है, तो सेविंग द कंट्री, देखो डॉक्यूमेंट अगर कम यूज करोगे, डिजिटल डॉक्यूमेंट मतलब तो कागज वगैरह नहीं चलेगा है ना, तो उससे क्या होगा, पेड़ तो बचेंगे भाई, क्योंकि कागज वगैरह पेड़ से ही बनते हैं, और इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इन्वायरमेंट को तो फायदा होगा ऐसा है ना, इसलिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा सेविंग द कंट्री, पेड़ कटने से बचाता है ये, अगर डिजिटल डॉक्यूमेंट से काम करते हैं तो। ठीक है, अब नेक्स्ट, कंप्यूटर हैकिंग इज राइट, ये ट्रू है कि फाल्स, इम्पॉर्टेंट है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ना, लेकिन ये होगा फाल्स, क्योंकि कंप्यूटर हैकिंग कभी भी राइट नहीं हो सकता, कभी भी अच्छी अच्छा नहीं, रॉन्ग है ये। लेकिन अगर पूछे ऑलवेज रॉन्ग, मतलब कंप्यूटर हैकिंग हमेशा गलत होता है, तो नहीं, हमेशा गलत भी नहीं होता, कभी कभी कंप्यूटर हैकिंग भी सही होता है। अगर यहाँ पे सम टाइम आए कंप्यूटर सम टाइम, तो सम टाइम तो हो सकता है, तब ट्रू कर देना आपको, कभी कभी अगर पूछे कंप्यूटर हैकिंग ये सही है तो आपको ट्रू करना है, लेकिन अगर ऐसा पूछता तो आपको फाल्स, ध्यान देना। अब नेक्स्ट, रोबोट शब्द का प्रयोग किसने किया, सब सर्वप्रथम किसने किया, तो वही तो किया है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें दो क्वेश्चन छिपे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। वैसे इसको कार्ल कैपेक करके एक थे, उन्होंने ही सबसे पहले रोबोट शब्द का खोज किया, 1920 की बात है ये, और फिर 1940 आते आते एक इसाक असीमोव करके थे, जिन्होंने रोबोटिक्स, रोबोट था पहले उसको बना दिया रोबोटिक्स टाइप का एक वर्ड निकाला, जिसको इसाक असीमोव, अगर रोबोटिक्स पूछता है तो सी वाला, रोबोट पूछता है तो ए वाला, और अगर मान लो ए वाले का नाम ना, जोसेफ कपेक जो थे, इनके दोनों भाई भाई थे ये, तो दोनों ने मिलकर काम किया था वैसे, और करल बोल रहे थे कि जोसेफ ने ही ज़्यादा मतलब दिमाग लगाया, जो भी हो इनका नाम ज़्यादा आता है ऊपर वालों का, दोनों भाई थे सगे, तो जितने बातें मैंने बताया ध्यान से। अब नेक्स्ट, यदि आपका कंप्यूटर हैक हो गया है तो वह किस प्रकार का विषय है, गोपनीयता, सुरक्षा, विश्वास, या फिर कोई नहीं, सोचने वाली बात है, लेकिन ये सिंपल सी बात है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिया, ABCD नहीं आ पाया है ना, तो सुरक्षा से ये संबंधित है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, है ना, हैक मतलब सुरक्षा संबंधित है। अब नेक्स्ट, स्लाइड प्लेस होल्डर में टेक्स्ट ज़्यादा हो जाने पर भी व्यवस्थित हो जाता है, एडजस्ट हो जाता है, मतलब इंग्लिश में आएगा जो भी आएगा, कहने का मतलब एक होता है प्लेस होल्डर, उसमें जब आप भर जाएगा टेक्स्ट ज़्यादा लिख दोगे तो, और लिखते जाओगे तो क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है ये, तो प्लेस होल्डर क्या है पहले ये समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो इसमें देखो कि ये ऊपर क्या है, क्लिक टू द एट, ये ही है प्लेस होल्डर, इसी को बोलते हैं प्लेस होल्डर। ठीक है, अब इसमें कुछ भी लिखो आप, बहुत सारा लिख डालो, सब एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे लिखते जाओ तो जो भी हो मतलब एडजस्ट हो जाता है ये, ठीक कुल मिला के, तो यही बोल भी था ये, हो जाएगा ट्रू। तो फिर दोस्तों 30 क्वेश्चन कंप्लीट है, 30 क्वेश्चन मैंने बनाया वैसे, और भी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा सबको। ठीक है, जो पहले से जो पढ़े उनका पेपर अच्छा जाएगा, बता रहा हूँ गारंटी, खूब ध्यान से पढ़ के जो जाएगा उसको पेपर बहुत अच्छा जाएगा, मास्टर क्लास पूरा लिब्रे ऑफिस से, बहुत सारी हैं वीडियोस, अब तो टाइम कम है इसलिए मास्टर क्लास जो लोग नहीं देखे उसको ज़रूर देख लेना, जिसके जो देख चुके हो और भी वीडियोज़ बहुत सारी उसको देख लेना, पेपर आपका गारंटी अच्छा जाएगा, बहुत सारे वीडियोज़ हैं प्ले लिस्ट में, सब आते हैं, सिलेबस पूरा है तो इसलिए सब आते हैं, इसलिए आपको सब पढ़ना है जो भी है। आपको दो क्वेश्चन भी दे देता हूं मैं, उससे पहले आप सभी छोटा सा रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को सब लोग लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है सबको, और जो लोग नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर देना, और दोस्तों एक दूसरा वाला चैनल भी है मेरा जिसपे मैं कहानियाँ वगैरह सुनाता हूं, तो जिसको कहानी सुनना पसंद हो वो लोग जरूर उस चैनल को सब्सक्राइब करना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आते हैं फिर क्वेश्चन पे,
तो दो क्वेश्चन आपके लिए। लाइट पेन किस प्रकार की डिवाइस है? देखो ये 2 दिन आया था, मैं बताया भी था, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स है, ये ट्रू है कि फ़ाल्स में क्वेश्चन है दोनों, मतलब ये तो ट्रू फ़ाल्स नहीं है, ये ट्रू फ़ाल्स वाला समझ लो, ठीक है? आपको ट्रू फ़ाल्स में से करना है, और पहले वाला बताना है कि लाइट पेन क्या है, इसके बारे में जो भी आपको मालूम हो बताना है। तो दोनों के बारे में बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। फिर बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।